देखो यार क्रिकेट में ना हर एक टीम में विकेट कीपर रहता ही है, तो उस जगह पर आईपीएल में भी उसका कोई अलग वाला वर्जन तो नहीं है, तो विकेट कीपर हर एक टीम में रहेगा आईपीएल के 200 टीम में। लेकिन आज के इस वीडियो में ना हम लोग उस टॉपिक के ऊपर ही ना थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा बेहतरीन तरीके से ज्यादा बड़ा स्केल पे करने वाला है। तो क्या डिस्कशन होने वाला है कि आईपीएल 2023 में हर एक टीम का कौन कौन सा खिलाड़ी होगा फ्रंट लाइन या फिर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन, और उसके साथ बैकअप विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत कौन सा खिलाड़ी को रखा जाएगा। तो ये एक वीडियो होने वाला है नॉलेजेबल वीडियो। आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं नॉलेजेबल के अलावा तो वीडियो निकालता ही नहीं हूं। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उस जगह पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कहीं से भी अगर नए आ गए हो लाइक कर दो वीडियो को, बेहतरीन वीडियो मैं डेली बेसिस पर देने का कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। ज्यादा ऐसा बात करने को भाई फायदा नहीं है, आपको अगर पसंद आता है सब्सक्राइब कर ही सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि देखो बहुत सारा ऐसा टीम है जिनके पास अभी रिसेंट टाइम में ना बेहतरीन चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं है या फिर बैकअप चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं है, तो उस जगह पर मैं तो भाई हर एक टीम का बताने वाला हूँ। तो दिल थाम कर बैठो, आप सभी लोगों का पसंदीदा टीमों का एक के बाद एक आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सीएसके के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सीएसके का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन बनेगा, इसमें बताने की बात नहीं है, आंखें बंद करके भाई बता दूंगा कि भाई एमएसडी है जो कि फ्रंट लाइन विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत रहेगा। लेकिन उनके अलावा कौन रहेगा इस साल का, देखो इस साल के बारे में भी बात करूंगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर एमएसडी का रहना ना रहना पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसी की वजह से इस साल जो उनका बैकअप रहेगा तो वो कौन होगा, वो होगा डेवॉन कॉनवे, बेहतरीन विकेट कीपर है न्यूजीलैंड के लिए, फ्रंट लाइन विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत T20 में खेला है बहुत दिनों से, बेहतरीन तरीके से विकेट कीपिंग भी कर रहा है, फील्डिंग ऑप्शन भी बेहतर है, इसमें बताने की बात नहीं है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में बेहतरीन तरीके से उनका कीपिंग हमें देखने को मिला था, तो उस जगह पर ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये दो भाई सीएसके का फ्रंट लाइन विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जिस टीम के ऊपर बात करेंगे वो होगा दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन है, ऋषभ पंत, जो कि कप्तान भी है उनका। हालांकि रिसेंट टाइम का फॉर्म थोड़ा सा बेहतर नहीं है लेकिन क्वालिटी है, ठीक है। तो उस जगह पर आप ऋषभ पंत को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग के तहत ही खिलाओगे, वो खिलाड़ी कप्तान भी आपके टीम का। लेकिन उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम को एक विकेट कीपिंग ऑप्शन चाहिए जो कि विदेशी हो सकता है, ठीक है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि एक विदेशी विकेट कीपिंग ऑप्शन है जिनका नाम है निकोलस पूरन। ये टीम क्या उनके ऊपर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर जाता है तो क्वालिटी देगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो उनको भाई ज़्यादा टाइम बिठाकर ही रखना पड़ेगा। रिसेंट टाइम का फॉर्म निकोलस पूरन के साथ नहीं है, मतलब बहुत अलग किस्म का फॉर्म तो भाई नहीं है, इसमें बताने की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ मैं बताऊंगा कि अगर आप बैकअप तरीके से उनको रखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको आप जा सकते हो उनके ऊपर, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जिस टीम के ऊपर बात करूंगा वो टीम होगा राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का तो भाई सेट है, संजू सैमसन कप्तान है, कप्तानी उसी के साथ कीपिंग भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन उनसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जॉस बटलर इंग्लैंड का बेहतरीन विकेट कीपर में से एक है, जॉस बटलर भी बैकअप तरीके से रह सकता है, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत भी खेल सकता है, दोनों में से कोई भी विकेट कीपिंग करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजू सैमसन कप्तान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कप्तानी बेहतरीन तरीके से कर रहा था, फाइनल तक ले गया था पिछला साल, तो इस साल भी उनको बेहतरीन तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तो ये एक ऑप्शन बनेगा, दोनों का ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जिस टीम के ऊपर बात करेंगे वो होगा जीटी यानी गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस के लिए फर्स्ट चॉइस ओपनिंग कॉम्बिनेशन में जो खेलेगा वही विकेट कीपिंग करेगा, तो वो कौन है, वो होगा ऋद्धिमान शाह, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, ठीक है। विकेट कीपिंग में भाई आई थिंक जो बैकअप है ना, जो मैथ्यू वेड उनका बैकअप रहेगा, उनको भी ना आई थिंक फ्रंट लाइन प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि ऋद्धिमान शाह जैसा क्वालिटी का विकेट कीपिंग करेगा ना वो भाई कोई भी नहीं कर सकता है, ये भाई मैं लिख कर दे सकता हूँ। भाई फ्लाई करके बंदा कैच लेता है, आपको एक बहुत बेहतरीन स्टेबिलिटी देगा विकेट कीपिंग में, एक बेहतरीन विकेट कीपिंग का ना मुजाहरा देगा। तो उस जगह पर मैं ऋद्धिमान शाह को फर्स्ट चॉइस में रखूंगा विकेट कीपिंग ऑप्शन में जीटी के लिए, उसके साथ बैकअप है मैथ्यू वेड, ठीक है। उसके बाद जिस टीम का नाम आता है वो है एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत रहेगा कुंडन डीकॉक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो सेकंड चॉइस है वो टीम में खेलेगा जो कि टीम का कप्तान है केएल राहुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट बहुत ज्यादा बेहतर है डीकॉक का विकेट कीपिंग केएल राहुल से, इसमें बताने की बात नहीं है, आप सभी लोगों को भी पता है। तो उस जगह पर मुझे लगता है कि फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग के तहत डीकॉक ही खेलेगा, ठीक है। उसके बाद जिस टीम का नाम आता है वो टीम है MI यानी मुंबई इंडियंस।
फ्रंट लाइन विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन है? ईशान किशन, जो कि फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलेगा। उसके साथ और एक विकेट कीपिंग ऑप्शन ना इनको लेना पड़ेगा, मतलब बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि ये टीम अगर केएस भरत के ऊपर टारगेट करे ना, तो ये टीम ना केएस भरत को ले सकता है एज ओपनिंग ऑप्शन भी, एज ना ईशान किशन के बैकअप की तहत भी। तो उस जगह पर ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा बैकअप तरीके से रखने के लिए, विकेट कीपिंग ऑप्शन, और बल्लेबाजी भी ओपनिंग में ही करता है, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जिस टीम के बारे में बात करने वाला हूं ना, वो टीम है SRH यानी सनराइजर हैदराबाद। तो सनराइजर हैदराबाद का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेगा कौन? ग्लेन फिलिप्स। बेहतरीन विकेट कीपिंग करता है, इसमें बताने की बात नहीं है। और अगर ये कोई भी बैकअप विकेट कीपर को लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन फिलिप्स एक लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है, उनका विकेट कीपिंग चॉइस खिला सकते हो। आप अगर एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपिंग ऑप्शन को लेते हो ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा इस टाइम पर। तो मैं बताऊंगा कि फिल सॉल्ट का नाम, फिल सॉल्ट एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है, टॉप ऑर्डर में खेलता है, क्वालिटी देगा, आपके पास पैसा है खरीदो फिल सॉल्ट को, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। तो ये भी एक विकेट कीपिंग ऑप्शन बनेगा, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी उसके साथ मिल जाएगा आपको, ये एक ऑप्शन बनेगा। उसके बाद मैं जिस टीम के बारे में बात करने वाला हूँ, वो टीम है KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत खेलेगा, जिनको भाई ट्रेड करके ले आया गया है, उसमें बताने की बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस खेलेगा। क्योंकि एक भाई ट्वीट भी किया था KKR बता दिया था कि और कुछ ही दिनों की देरी है, उसके बाद वेंकटेश और रहमानुल्लाह गुरबाज को हमें देखने को मिल जाएगा ओपनिंग करते हुए। तो उस जगह पर रहमानुल्लाह गुरबाज उनका फर्स्ट चॉइस ओपनर रहेगा KKR का, जो कि वो पहले से ही सेट कर चुका है। लेकिन जो बैकअप रहेगा, बैकअप इनको ऑक्शन से उठाना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि ये टीम अगर बैकअप में एक विदेशी को विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत लेता है ना, तो अगर वो लोअर ऑर्डर में खेलता होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए भी। तो मैं बताऊंगा कि हेनरिच क्लासन को ना वो ले सकते हैं, क्योंकि मैं बेन डकट का नाम बता रहा था, लेकिन बेन डकट ना ऑक्शन में नहीं आएगा, वो रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को IPL के लिए, ठीक है। तो उस जगह पर ऑप्शन कौन बनता है? हेनरिच क्लासन, उनके पास क्वालिटी कैपेबिलिटी है, इस खिलाड़ी को आप फ्रंट लाइन ऑप्शन के तहत रख सकते हो, अपने टीम टारगेट कर सकते हो। अगर निकोलस पुरन को कम रेट में मिल जाए, जो कि मैं दिल्ली के लिए बताया था, तो निकोलस पुरन को भी आप टारगेट कर सकते हो अगर कम रेट में मिले, ठीक है। लेकिन हेनरिच क्लासन को आई थिंक कम रेट में मिल जाएगा, तो इसकी वजह से ज्यादा पैसा नहीं है KKR के पास। तो उस जगह पर मैं हेनरिच क्लासन को ही बताऊंगा बैकअप तरीके से रख दो, ज्यादातर ना खिलाने का मौका नहीं मिलेगा, ये एक ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद मैं जिस टीम के बारे में बात करने वाला हूं, वो होगा PBKC यानी पंजाब किंग्स। तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन रहेगा? फर्स्ट चॉइस विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेगा भाई डेफिनेटली जीतेश शर्मा, कम एज का खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, उनको देकर विकेट कीपिंग करवा लेता है। लेकिन बैकअप अगर मैं बात करूं ना, तो बैकअप के तहत जॉनी बेयरस्टो बेस्ट ऑप्शन है, नो डाउट। बंदा इंग्लैंड के लिए भाई तबाही वाला विकेट कीपिंग करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तजुर्बा है, जीतेश शर्मा से बहुत ज्यादा तजुर्बा है, ठीक है। तो उस जगह पर इस खिलाड़ी को आप बैकअप तरीके से रखे हो, क्योंकि जीतेश शर्मा एक युवा खिलाड़ी है, उनको देकर आप ज्यादा मतलब खिला रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीतेश शर्मा को आप विकेट कीपिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस दोनों ही बेहतर है। तो उसके बाद जिस टीम का नाम आता है लास्टली, वो कौन है? वो टीम है हमारा RCB, ठीक है। तो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विकेट कीपिंग कौन करने वाला है? फर्स्ट चॉइस की तहत रखेगा, मतलब रखा जाएगा दिनेश कार्तिक को, क्योंकि नो डाउट भाई अलग लेवल का भाई खिलाड़ी है। लेकिन और एक खिलाड़ी भी है जो कि विकेट कीपिंग कर सकता है, तो वो कौन है? वो है एक ओपनिंग ऑप्शन, जो कि अनुज रावत। तो अनुज रावत भी एक भारतीय खिलाड़ी है, हमारा दिनेश कार्तिक भी एक भारतीय खिलाड़ी है। तो ये दो है विकेट कीपिंग ऑप्शन, दिनेश कार्तिक होगा फ्रंट लाइन या फिर फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जो विकेट कीपिंग ऑप्शन के तहत खेलेगा, बैकअप तरीके से अनुज रावत है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लिस्ट हर एक टीम का विकेट कीपिंग ऑप्शन, या फिर अगर बताए तो बैकअप विकेट कीपर भी मैं बता दिया। तो आप सभी लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टिंग लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो डेली बेसिस पर मैं लाता रहूँगा। सभी टीमों का ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है 2023 के लिए, उसके ऊपर वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो जाओ और जाकर देखो। और अगर आप सभी लोगों को सभी टीमों का टारगेटेड लिस्ट के ऊपर वीडियो देखना हो ना, तो ये वाला प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, वहां पर हर एक टीम का टारगेटेड लिस्ट के ऊपर वीडियो धीरे धीरे मैं रेडी कर रहा हूं नया वाला एडिशन का। तो चैनल से बने रहो, बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मैं डेली बेसिस पर देने का कोशिश करूंगा और दे भी रहा हूं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऐसा ही वीडियो और भी आता रहेगा, स्टे ट्यून्ड।